दोस्तों, पथरी का दर्द जिसको होता है उसको पता है कि कैसे आदमी मछली की तरह तड़पता है, परेशान होता है। पर यहाँ पे हमने कारण बताया है कि क्यों आपको दर्द ये होता है, यानी पथरी होती है, और कैसे इसका बहुत आसान तरीके से इलाज किया जाए। पर हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है। YouTube पे या अलग अलग जगहों पे आपको कई तरह की चीज़ें आपको पता चलेंगी। हमने भी इसमें आपको बाबा रामदेव से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पोस्ट करी हैं जो आखिर में हैं, क्योंकि लोगों ने पूछा कि बाबा रामदेव के तरीके भी बताइए। पर हम वो आपको तरीका बता रहे हैं जो हमें आराम मिला या हमारे द्वारा बताए लोगों को आराम मिला। पथरी का जो दर्द होता है वो इसलिए होता है कि जब आपका शरीर वर्कआउट करना कम करता है, आप पानी की मात्रा बहुत कम कर देते हैं, खाना पीना आपका ख़राब हो जाता है, तो वो आपका कैल्शियम को जमा करता है जो पथरी का रूप ले लेता है। पथरी का सबसे अच्छा और सुंदर इलाज यही है कि आपको खूब मात्रा में पानी पीना चाहिए। कई बार आपको लोग सजेस्ट करेंगे कि अल्कोहल या बियर पी लो, क्योंकि उसका क्या होता है कि आपका बहुत बड़ी मात्रा में पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। आपको पथरी की दिक्कत है तो बहुत सारा पानी पीजिए। आपको देखिए, जैसे ही आपके शरीर में अच्छी मात्रा में पानी जाएगा तो पथरी क्या तैरने लगेगी, तो वो आपके शरीर में चुभना बंद कर देगी। और जब आप बहुत सारा पानी पियेंगे तो वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। आप इसमें छाछ का सेवन, पतली जो छाछ होती है नमकीन वाली, उसका सेवन करिए। आपको लगता है कि मैं पानी ऐसा नहीं पी पा रही हूँ सादा वाला, तो थोड़ा सा शरबत मिला के, थोड़ा ग्लूकोज मिला के, जिस भी तरह से आपको खूब सारा बहुत सारा पानी का सेवन करना है। खाने को सादा रखिए, सिंपल सा खाना जो आपको अच्छा लग रहा है वो खाइए, क्योंकि ये पथरी का दर्द ऐसा होता है कि आपको सर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, आप बिल्कुल बेचैन हो जाएंगे, मछली की तरह आप तड़पेंगे। और कोशिश करिए कि जिस तरह आपको दर्द हो रहा है, आप एक पोजीशन ऐसी होगी जिस पोजीशन में वो पथरी पानी में तैरेगी और आपके शरीर में चुभेगी नहीं, तो आपको दर्द कम होगा। वो पोजीशन आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भयंकर असहनीय दर्द है, तो आप मेडिसिन और डॉक्टर का सहारा बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपका जो दर्द जो सहन कर रहा है उसी को मालूम है। और उसको हमेशा का इलाज करने के लिए पानी की मात्रा को खूब करिए, फलों का सेवन करिए, मेडिटेशन हमारे YouTube चैनल पे कमल राजचंदन KR पे टाइप करके, हमने बहुत सिंपल तरीके से मेडिटेशन योग निद्रा सिखाया, वो योग निद्रा मेडिटेशन आप रोज़ करिए। आपके शरीर में जो फालतू की चर्बी है, फालतू की दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, तनाव हैं, जो आपको अलग अलग बीमारियों के रूप में निकालती है, परेशानियों के रूप में निकलती है, टेंशन के रूप में निकलती है, वो आपकी सारी मेडिटेशन रोज आधा घंटा ना सही, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अपने लिए मेडिटेशन करिए। क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, सारे वीडियो हमने YouTube पे डाले हुए हैं। केवल कमल रायचंदानी KR आपको टाइप करना है। तो पथरी की बात कर रहे थे, पथरी में आपको बहुत सारा पानी पीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, ग्लूकोज डाल के, जैसे शरबत डाल के, छाछ बना के, लस्सी बना के, और खाने का सेवन बिल्कुल सादा करिए। चलना फिरना जब आपको दर्द कम हो जाए काफ़ी करिए, क्योंकि जब हमारा शरीर मोटापा हो जाता है और पानी की मात्रा कम हो जाती है, खाना पीना गड़बड़ हो जाता है, वर्कआउट कम हो जाता है, तो ये पथरी की दिक्कत चालू हो जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि आपकी पथरी की दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी बहुत सारा पानी पीने के बाद। और ये चीज़ आजमाई हुई है, ऐसा नहीं किसी ने देखा, हमने अपने ऊपर, कईयों के ऊपर आजमाई कि केवल पानी और छाछ अच्छे से पीने से, सलाद खाने से पथरी की दिक्कत आराम से निकल जाती है। पथरी यूरिन के थ्रू बड़ी आराम से निकल जाती है। तो आजमाइए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपको फ़ायदा पड़ा तो आगे भी फ़ायदा लोगों को पड़े। दोस्तों, कई लोगों ने यह भी पूछा था कि पथरी होती क्यों है। देखिए, पथरी होने के कई रीज़न होते हैं, किसी को चाय से, किसी को पालक से, किसी को टमाटर से, कई रीज़नें हो सकती है। वो जब आप पथरी यूरिन में निकलती है तो आप उसको देख के लैब में चेक कराएंगे, किसी को दूध से भी हो जाती है, किसी को दही से हो जाती है, तो कैल्शियम से जहाँ चीज़ें होती हैं उससे, किसी को पनीर से हो जाती है। तो जब उस पथरी को आप लैब में चेक कराएंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि किस वजह से आपको पथरी हो रही है, और उस चीज़ को अवॉइड करिए। पर सबसे अच्छा तरीका हमने आपको बताया कि पानी का सेवन करिए, सुबह खाली पेट पानी से शुरुआत करिए। पानी आपके शरीर को साफ करेगा, पथरी को घूमने देगा, तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा।